हाई दिस इज संजीव फ्रॉम संजीव फाइनेंस फ्रेंड्स टूडे आई डिस्कस अबाउट आई सी आई सी बैंक द शॉर्ट टर्म चार्ट लुक्स वेरी गुड एंड ऑप्शन डेटा शोइंग वेरी वेरी गुड इंटेंट ऑफ द चार्ट फॉर बाइंग तो फ्रेंड दैट्स वाई आई एम ब्रिंग इंग यू द बाइंग व्यू ऑफ आई सी आई सी आई बैंक तो जो लोग मेरा ए चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू वॉन्ट टू से समथिंग प्लीज डू कमेंट ऑन कमेंट सेक्शंस कुछ भी आपको बोलना होगा पर्सनली तो मेरा मेल आई मोबाइल नंबर इज़ ऑल्सो गिवेन टू द डिस्क्रिप्शंस तो उसमें आप जरूर जरूर जाके मेरे से डायरेक्टली बात कर सकते हैं फ्रेंड्स बेल बटन को जरूर प्रेस करना है फॉर टाइमली नोटिफिकेशन ऑफ माई एवरी वीडियो तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम एम डायरेक्टली जंप इन टू द चार्टान आपको दिखाने का कोशिश करेंगे कैसा इसका चार्ट है एंड क्यू उसमें बाइंग व्यू हम दे रहे हैं तो फ्रेंड्स टुडे इज ट्वेंटी सेकेंड मार्च 2023 ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट यहाँ पे लग रहा है एंड ऑप्शन uh, का जो डेटा है तो वो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है उसी हिसाब से हम आपके पास एक बाइंग व्यू दिए हैं एक सेकेंड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर का बैंक है आई आई बैंक जिसका चार्ट पैटर्न बहुत बहुत सिग्निफिकेंट अच्छा लग रहा है उसी हिसाब से आपके पास लेके आए हैं करेंट मार्केट प्राइज़ एट फिफ्टी के आसपास है स्टॉप लॉस एट टारगेट एट अप टू ये आपको आएगा फाइव डेज के अंदर बहुत छोटा में है स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करिएगा बैंकिंग सेक्टर का जो इंडेक्स है जो बैंक निफ्टी बोलता है उसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी है एंड सभी प्राइवेट सेक्टर बैंक में थोड़ा सा तेज़ी है उसी हिसाब से हम आपके पास ये व्यू लेके आए हैं अगर इसका हम आपको व्यू दिखाएंगे तो आपको क्लियरली यहाँ से पता चलेगा कि ये हाई बनाया था अप्रॉक्सिमली 960 के आसपास उसके बाद सिग्निफिकेंटली विद इन फ्रैक्शन ऑफ आपका बताएंगे तो दो तीन महीने के अंदर दो महीने के अंदर आपको लो भी बनाया है आठ सौ रुपये का आठ सौ रुपये का सस् मतलब यहाँ पे सपोर्ट लेके स्टॉक ने थोड़ा सा वोलाट्लिटी हुआ एवं पार्टिसिपेट करने का कोशिश किया एंड इसी लेवल से स्टॉक ने थोड़ा पॉजिटिविटी दिखाने का भी कोशिश किया है तो उसी हिसाब से मैंने आपके इसके ऊपर बाइंग भी लेके आए हैं अगर इसका 200 हंड्रेड का या ई का कुछ दिखाना चाहेंगे तो आ, उसके आसपास ही ये शेयर ट्रेड कर रहा है 200 हंड्रेड के आसपास जो सिग्निफिकेंट है एंड 20 एंड uh, 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 21 वन एंड फिफ्टी या ई एम को ट्रैक करेंगे तो उसका थोड़ा सा नीचे है लेकिन यहाँ पे जो सिग्निफिकेंटली दो यहाँ पे जो टचिंग पॉइंट है इसके आसपास बना है तो इसी कैंडल के हिसाब से मेरे को लगता है कि यहाँ पे पॉजिटिव व्यू लेके चलना है फॉर चार पाँच दिन का जो हराइजन है उसी हिसाब से ये जो रेड लाइन दिया है रेड लाइन विल बी योर सपोर्ट एंड आप इसको सपोर्ट लेके रख सकते हो एंड दिस ब्लू लाइन इज़ योर टारगेट ये टारगेट आप आ, मतलब अपना जो शेयर का जो फर्स्ट uh, टारगेट है वो निकल के आ सकता है विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम निफ्टी में जिस हिसाब से बैंक निफ्टी में जिस हिसाब से जी है मेरे को लगता है कि ये इसमें उसी हिसाब से आ सकता है अगर इसका शॉर्ट टर्म का आर एस आई एंड मैगडी को भी दिखाना कोशिश करेंगे तो आपको क्लियरली विजिबिलिटी होगा कि हम क्यों आपको बता रहा है देखिए ये आपका आर एस आई ने भी फोर्टी के आसपास आके सिग्निफिकेंटली आप होने का कोशिश किया जो सिक्सटी के आसपास जाने का कोशिश करेगा एंड मैगडी भी इतना अच्छा नहीं है बट बहुत सिग्निफिकेंट है फ्रेंड्स अभी हम आपको दिखाने का कोशिश करेंगे आज इसका जो ओपन इंटरेस्ट डेटा है वो वो मेरे को बहुत अच्छा सिग्निफिकेंट लगा उसी हिसाब से हम आपको बताया ये जो थोड़ा सा एक सेकेंड एक सेकेंड इसको हम एनालिस करके देखेंगे उसके पहले थोड़ा टूर से एक बार निकाल लेते हैं एक सेकेंड रुक जाइए टूल से एपिक फ्रेंड्स देखिए निकालने का थोड़ा सा देरी हो रहा है तो आप एक बार तो फ्रेंड्स अभी देखिए हम आपको जो दिखाने का कोशिश कर रहे हैं बहुत सिग्निफिकेंट है ये ये एट द मनी है एट फिफ्टी का एट द मनी का चार्ट है एट द मनी का चार्ट में क्या दिख रहा है आपको दिख रहा है यहाँ पे कॉल का अनवाइंडिंग होना मतलब कॉल जो लोग लिए थे जो राइट करके रखे थे वो यहाँ से भाग रहा है एंड पुट का एडिशन होना आज का दिन में एंड सिग्निफिकेंटली एट फिफ्टी फाइव का भी पुट का अनवाइंडिंग मतलब पुट का एडिशन होना इन टाइम्स ऑफ इट्स टाइप ऑफ पुट राइटिंग इज एट सिक्सटी का कॉल में वो क्वाइट सिग्निफिकेंट यहाँ पे थॉरली बताता है कि ये आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है एक सिग्निफिकेंट यहाँ पे 870 का में कॉल राइट थोड़ा सा ज़्यादा हुआ है लेकिन मेरे को लगता है कि जिस हिसाब से कॉल दे दोनों मिला के जो बार बना है उसके अगेंस्ट में यहाँ पे भाग जाना ये जो पोजीशन है यहाँ पे क्रिएट हुआ है जैसे ही एट सिक्सटी के ऊपर जाते हैं तो ये यहाँ से भी इसका निकालना स्टार्ट हो जाएगा तो इसके बाद सबसे बड़ा जो पुट राइटर है सॉरी कॉल राइटर है कॉल राइटर है नाइन पे तो 900 के आसपास आके ये रेजिस्टेंस ले सकता है उसी हिसाब से हम आपको 890, 895 का मैंने आपको ये टारगेट 892 का टारगेट दिए है तो ये कॉल पुट डेटा बहुत बहुत सिग्निफिकेंट है देखिए यहाँ पे पुट का एडिशन होना कॉल का यहाँ पे भागना मतलब छोर पोजीशन छोड़ के भागना यहाँ पे भी कॉल का पोजीशन छोड़ के भागना एक सिग्निफिकेंट बताता है कि आपका जो नियरेस्ट जो टारगेट है वो एट नाइन्टी टू चार पाँच दिन के अंदर बहुत अच्छा लेवल बना के यहाँ पे जा सकता है तो फ्रेंड्स जिसको इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है अगर वो ज़्यादा समझना चाहते हैं तो मेरे से आप डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो मेरा जितना नॉलेज है उसके हिसाब से हम आपको समझाने का कोशिश करेंगे एंड Uh, क्या है ना खुद समझेंगे या आपको एक बार समझा देंगे ना तो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होना नहीं पड़ेगा दैट्स व आई एम टेलिंग यू ऐसा नहीं है कि हम सब जनता है इस मार्केट का कोई मतलब आ, ऐसा कोई आदमी नहीं है कि सब जनता है तो लेकिन मेरे मैं जितना जानता तो हूँ वो आपको सिखाने का कोशिश करेंगे जिसमें आपको ट्रेडिंग स्किल्स में थोड़ा सा इजाफा हो तो फ्रेंड्स बाइंग करने से, से पहले जरूर अपना फिनेंशियल एडवाइजर के साथ जरूर सलाह लीजिएगा कुछ भी बोलना होगा तो कमेंट करके बताइएगा रियली मेरा एनालिसिस सही सही में अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू कमेंट ऑन कमेंट सेक्शंस कुछ भी आज का दिन में करना है तो जरूर अपना रिक्स अपटाइट रिक्स ट्रॉलेंस के ऊपर जरूर आप ध्यान रखिएगा डी चार्ट का एनालिसिस हम दिखाया है तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही नेक्स्ट कुछ अच्छा शेयर के बारे में कुछ भी व्यूज़ होगा कुछ एनालिसिस होगा जरूर हम आपके पास लेके हाजिर होंगे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी फॉर सेवन मिनट्स यहाँ पे वाइंड uh, अप करते हैं थैंक यू